students, a very good morning to you all. Students, this is your EVS class and in this class we are in chapter number 4. The name of the chapter is food. Okay, bacho, hum is class. So students, hum apni class start karne se pehle ये जानेंगे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था. ओके, तो बच्चों हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था दैट फ्रॉम वेयर वी गेट फूड, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है. सो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो टुडे वी विल रीड अबाउट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के प्रकार. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के विभिन्न प्रकार होते हैं. तो बच्चों उनके नेम क्या है, फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड इज प्रोटेक्टिव फूड, थर्ड इज बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, फर्स्ट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड प्रोटेक्टिव फूड, थर्ड इज बॉडी बिल्डिंग फूड. ये सभी क्या है, दीज आर काइंड्स ऑफ फूड, ये सभी भोजन के क्या है, प्रकार है. Clear everyone? So now tell me what is energy giving food? Energy giving food kya hai? Okay? So the food which gives us energy to work, play and think are called energy giving food. Okay? Bacho, ve bhojan jo hame kaarya karne ke liye, khelne ke liye, think yani ki sochne ke liye एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. ओके, तो बच्चों इसके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये भोजन हमें क्या देगा, हमें एनर्जी देगा, यानी कि ऊर्जा देगा. ठीक है, सो वे भोजन जो हमें कार्य करने के लिए, खेलने के लिए और सोचने के लिए क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल पोटैटोस, राइस, बटर, चीज एंड शुगर. ओके स्टूडेंट्स, दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक. बच्चों ये हमें कार्य करने के लिए, खेलने के लिए और सोचने के लिए हमें क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं. Clear? These food are called energy giving food. इन्हीं भोजन को हम energy giving food कहते हैं. Okay? Students, next is body building food. Now, what is body building food? The food which help us to grow and build up our muscles and bones are called body building food. बच्चों वे भोजन जो हमें बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं और हमारे मसल्स को बिल्ड यानी कि बनाते हैं, उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. ओके बच्चों, वे भोजन जो हमें ग्रो यानी कि बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं और हमारे मसल्स और हमारी बोन्स यानी कि हड्डियाँ, ठीक है, हमारी मसल्स और बोन्स को बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. For example, cells, pulses, eggs and milk. Okay, students, these food are called bodybuilding food. ये सभी भोजन, इन सभी भोजन को हम bodybuilding food कहते हैं because they help us to grow and build up our bones and muscles. Clear? बच्चों next क्या है आपका, protective food. तो अब इनके name से ही पता चल रहा है कि ये किस प्रकार के भोजन है ना. प्रोटेक्ट का मीन्स क्या होता है, बचाना. तो बच्चों वे भोजन जो हमें बचाते हैं, अब जाहिर सी बात है किससे बचाएंगे, हमें टीचर्स से या हमारे पेरेंट्स से तो बचाएंगे नहीं, ये हमें डिसीजेस यानी कि बीमारियों से बचाएंगे. ठीक है, तो वे भोजन जो हमें डिसीजेस यानी कि बीमारियों से बचाते हैं, उन्हें ही हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. क्लियर? So the food which protect us from diseases are called protective food. Okay? Protect का means होता है बचाना और diseases का means होता है बीमारियाँ. तो वे भोजन जो हमें बीमारियों से बचा कर रखते हैं, उन्हें हम protective food कहते हैं.
For example, fruits and vegetables. Okay, students, fruits and vegetables are protective food because they protect us from diseases. बच्चों, fruits और vegetables क्या है? Protective food है क्योंकि ये हमें diseases यानी कि बीमारियों से बचाकर रखते हैं. Clear everyone? Students, that's all for today. आइए अब छोटा सा एक recap लेते हैं कि हमने इस session में क्या-क्या पढ़ा. So in this session we have learned about different kinds of food. बच्चों, इस session में हम लोगों ने different kinds of food के बारे में पढ़ा. That there are different kinds of food. First is bodybuilding food, protective food, and last is energy giving food. Okay? Students, first see your classwork. This is your classwork. Okay? You have to write, define the given terms. Okay? बच्चों, ये work आपको अपनी classwork fair copy में करना है. ठीक है? बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस chapter से related about the chapter कर लिया है. ठीक है? जिसमें आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर राइट किया था, फिर चैप्टर नेम राइट किया था, देन अबाउट द चैप्टर राइट किया था. ओके? फिर बच्चों, उसके जस्ट नीचे से आप कंटिन्यू कर दोगे दैट डिफाइन द गिवन टर्म्स. ओके? बच्चों, अगेन आप चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम नहीं राइट करोगे, आप अबाउट द चैप्टर के बाद एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज डिफाइन द गिवन टर्म्स स्टार्ट कर दोगे. ओके? सो योर फर्स्ट टर्म इज फूड. नाउ व्हाट इज फूड? फूड क्या है? समथिंग दैट पीपल और एनिमल्स ईट. बच्चों, जो भी चीजें लोग या कोई एनिमल्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं. ओके? योर सेकेंड टर्म इज एनर्जी. नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. इट्स हिंदी मीनिंग इज ऊर्जा. क्लियर? नेक्स्ट इज लंच. नाउ व्हाट इज लंच? स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट वी टेक लंच इन आफ्टरनून. हम लंच आफ्टरनून में लेते हैं. एंड वी टेक डिनर एट नाइट. वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ओके? नाउ व्हाट इज लंच? लंच क्या है? A meal that you have in the middle of the day. बच्चों, वह मील जो आप middle of the day यानी कि दिन के बिल्कुल बीच में लेते हैं उसे हम lunch कहते हैं. ठीक है? तो बच्चों, दिन के बिल्कुल बीच का समय क्या कहलाता है? Afternoon कहलाता है. Clear? तो बच्चों, afternoon में हम क्या लेते हैं? Lunch लेते हैं. Clear everyone? Students, you have to write this work in your classwork copy. आपको ये work अपनी classwork copy में write. And students, this is your homework. That learn and write given hard words in homework copy. बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ hard words दिए हैं. इसे आपको अच्छे से learn करना है और write करना है अपने homework register में. Clear? Your first hard word is breakfast. Second, lunch. थर्ड इज डिनर. फोर्थ इज हॉकर्स. हॉकर्स का मीन्स होता है बच्चों फेरी वाला. ओके? नेक्स्ट हेल्दी. हेल्दी इट मीन्स स्वस्थ. प्लांट्स, यू नो दैट प्लांट्स मीन पौधा. और चिकन, वेजिटेरियन. हनी, हनी इट मीन्स शहद. बर्गर. क्लियर? तो बच्चों, आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी होमवर्क रजिस्टर में राइट करना है. मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको इन्हीं हार्ड वर्ड्स का डिक्टेशन बोलूंगी. क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.